लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे प्रभु, तो रंग कैसा ही हो लेकिन स्वभाव श्री ठाकुर जी का है, करते स्वयं है यश, औरों को देते हैं। एक छोटा सा सूत्र ध्यान में रखिएगा, मैं क्या करने वाला हूं और मैंने क्या किया है, ये ठाकुर जी कभी किसी के आगे अपनी ओर से प्रकट नहीं करते, कभी अपनी ओर से प्रकट नहीं करते। मैं क्या करने वाला हूं और मैंने क्या किया है, ये ठाकुर जी अपनी ओर से कहीं प्रकट नहीं करते। प्रभु, तो नारद जी कहते हैं आपके भीतर भाव बना है, उसको ठाकुर जी पूरा कराएंगे। आप खूब प्रेम से भगवत गुणों का गान करें, भगवत यश का गान करें, तब नारायण श्री व्यास जी महाराज को और बल प्राप्त हो। इसलिए श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ गांव में दासी का कार्य करती थी। एक बार मेरे गांव में संत आए, गांव के सब लोगों ने मेरी माँ को भी संतों की सेवा में लगा दिया। मेरी माँ संतों की सेवा करने जाती, मैं भी साथ साथ जाता था। मेरी माँ तो वहाँ स्वच्छता के कार्य में लग जाती, पर मैं संतों की सत्संग सुनता, नाम संकीर्तन सुनता। संतों के संग से मेरे भीतर भी भगवत दर्शनों की लालसा पैदा हुई कि जिसके गुण इतने सुंदर हैं, जिसके गुण इतने मधुर हैं, उसका दर्शन कितना मधुर होगा। गीत की पंक्ति तो कुछ अलग है, लेकिन जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी बातें इतनी सुंदर लगती, जिसके गुणों की चर्चा इतनी मीठी लगती है, वो स्वयं कितने मधुर होंगे, वे स्वयं कितने मधुर होंगे। नारद जी के मन में भगवत दर्शन की लालसा उठी। प्राणनाथ, संतों ने नारद जी को उपासना का मार्ग बताया, भगवान के मंगलमय नामों का मंत्र दिया और श्री नारद जी महाराज भजन में लग जाते हैं। संत लोग कुछ समय बाद वापिस अपने आगे के गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद जी को बहुत उस समय कष्ट होता है। प्राणनाथ, संतों का वियोग बड़ा बड़ा भारी वियोग होता है। मेरे भाई बहन, व्यक्ति जाता है ना, तो उसके साथ साथ खाली उसके कारण से जो कार्य बन रहा था, वो उसका ही कुछ लोप होता है। लेकिन संतों के जाने के साथ साथ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही चला गया। दास को आप संत महापुरुष नहीं पधारे, तब से ही मन में ऐसा लग रहा कि अभी ये सब संत विराज रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है, ब्रज का दर्शन यही हो रहा है और इनको रखने की तो सामर्थ्य है नहीं। पर प्राणनाथ, नारद जी को बहुत कष्ट हुआ। संतों ने कहा, बेटा जो हमने तुमको सूत्र दिए हैं, जो ज्ञान दिया, तुम उसको संभालो। जो काम हमने तुम्हारे साथ रह करके किया, वही काम हमारा उपदेश तुम्हारे भीतर रह करके करेगा। तुमको जो ज्ञान हमने दिया उसके अनुसार आचरण बनाना और खूब भगवत भजन करना, खूब भगवत भजन करना, खूब भगवत भजन करना। श्री नारद जी महाराज संतों की आज्ञा लेकर भगवत भजन में लग जाते हैं। प्रभो, और उपासना करते करते, तपस्या करते करते, भजन करते करते नारद जी को एक बार बहुत ही
बहुत ही एकदम बहुत थोड़े से समय का ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है, बहुत अल्प समय, एक झांकी समझिए कि पट आया और एक गए। बस उस थोड़ी सी झलक ने व्यथित कर दिया श्री नारद जी के अंतकरण को। कहां गए, कहां गए, कहां गए प्राण प्यारे, न तो मेरे नेत्र तृप्त हुए ना मेरा अंतकरण तृप्त हुआ, मुझे प्रभु की वह झांकी फिर से देखनी है, मैं प्रभु को कहां ढूंढूं, प्रभु को कहां पाऊं, ऐसे नारद जी व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। और जब नारद जी की यह दशा हुई, आकाशवाणी हुई, हे नारद अभी मेरे वह दर्शन होने असंभव है जिन दर्शनों की भूख तुम्हारे भीतर है, यह दर्शन तो सिर्फ मैंने तुम्हारे भीतर दर्शन लालसा बढ़ाने के लिए, भीतर व्याकुलता बढ़ाने के लिए ही यह किया था। प्राणनाथ, श्री ठाकुर जी के दर्शन दूर से क्यों कराते हैं, हमको एकदम पास में ले जावे तो हम कोई भगवान को पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे, उठा के थोड़ी ले जाएंगे, लेकिन दूर से दर्शन इसलिए कराते हैं कि व्याकुलता मन में पैदा हो कि यह जो दूरी है यह कब मिटेगी, प्रभु कब हम आपके श्री चरणों तक पहुंच सकेंगे, देखने की व्याकुलता बढ़े, तड़पन बढ़े प्राणनाथ। और जो दर्शन तड़पन के साथ होता है, जो दर्शन व्याकुलता के साथ होता है, उसका तो कहना ही क्या। नारायण, नारद जी की माता जी थी, उनका भी देहावसान हो गया सर्पदंश से। नारद जी ने फिर खूब भजन किया और भगवान के वे अखंड पार्षद बने हैं। अब जब भी चाहते हैं तब उनको प्रभु का दर्शन प्राप्त होता है। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि मैं कोई पात्र नहीं, पर मेरे जैसे जीव पर भी जब ठाकुर जी इतनी कृपा कर सकते हैं तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं करेंगे, आपके ऊपर प्रभु की कृपा जरूर होगी, आप कार्य करें। ठाकुर जी की कृपा सब पर होती है वैष्णवों, उस कृपा को भरने वाला चाहिए अपने भीतर। प्रभु सबको अपना मानते हैं, हमारी आत्मीयता कितनी है प्रभु में यह बात है। प्राणनाथ, श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी से चतुर्श्लोकी भागवत प्राप्त करी, उस चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार किया, उस चतुर्श्लोकी भागवत का विस्तार किया प्रभु ने, श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का वह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट किया। लेकिन अब व्यास जी के मन में आया कि अब इसका प्रचार प्रसार कौन करे, इसका विस्तार कौन करे। तब एक बड़ी सुंदर घटना घटती है, आप सब जानते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य की। आहा, श्री व्यास जी महाराज के मन में भाव था कि जिसके भीतर श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी लालसा होगी वो इसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं कर पाएगा। हो सकता वह इसका प्रचार प्रसार करते करते अपना हित साधने लग जाए, अपना लाभ करने लग जाए। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ऐसा कोई सतपात्र चाहते थे श्रीमद् भागवत जी के प्रचार प्रसार के लिए, जिसके भीतर श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई लालसा न हो, श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त अन्य कोई लालसा न हो। एक घटना घटती है, घटना का क्रम गोलोक धाम से प्रारंभ होता है। आइए हम सब लोग गोलोक धाम में चलें। यह जो वार्ता हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं, इस वार्ता को दास ने पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, शुकताल वाली कथा में।
उसका जितना भाव ले पाया हूँ उतना निवेदन कर रहा हूँ। प्रभो, एक बार प्यारे श्याम सुंदर के मन में इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? प्यारे श्याम सुंदर के मन में इच्छा हुई कि मेरी अनुपस्थिति में श्री किशोरी जी, मेरी अनुपस्थिति में श्री किशोरी जी मेरे विषय में क्या चर्चा करती है वो मुझे सुनना है। हमारे बारे में, हमारे पीछे कौन क्या बात करता है यह जानने की उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी होता है। एक भाई साहब रोज सत्संग में आते थे और पूरी सत्संग सुनते थे, तो वो एक दिन महात्मा जी के पास बैठे थे, तो महात्मा जी को कहा, महाराज क्या बताऊं, आप भले ही कहो ये ऐसा वो ऐसा, पर मुझे तो भगवान की कृपा से ऐसा बढ़िया परिवार मिला है। पत्नी भी मेरे खूब गुण गाती है, मेरी बहुएं मेरा खूब गुण गाती हैं, खूब मेरे बेटे खूब मेरा गुण गाते हैं, क्या बताऊं आपको। महात्मा जी ने कहा, कल कथा विराम हो उससे आधा घंटा पहले घर जाके सब अपने गुण सुन लेना। तो वो भाई घंटे भर पहले उठ के चला गया, और गया तो देखे तो बहू रसोई तो बना रही है, पर नौकर को कह रही, जल्दी बना अभी बुढ़ा आ जाएगा, आते ही चिल्लाएगा रोटी लाओ रोटी लाओ, जैसे यहाँ नौकर छोड़ रखे हैं, खुद तो वहां बैठे और यहां पर हम यहाँ कढ़ाई जिला रहे हैं, धुएं में मर रहे हैं। पत्नी बोली, उसकी वो जो उसकी पत्नी, अरे बेटा दुकान से कुछ रुपए ला करके दे देना, तेरा बाप तो एक नंबर का कंजूस है, वो तो कुछ देता नहीं, तू ला करके दे देना। बोले पिताजी पूछेंगे तो कहने की कोई जरूरत नहीं, तू दे देना। माँ क्या बताऊँ, मैं तो खुद दुखी हूँ, दुकान पर इतनी पंचायती करते, ये मत करो, कुछ समझते तो है नहीं, बुढ़ापे में बुद्धि तो इनकी है नहीं, और वहाँ ऐसे ही सब व्यापार मेरा बिगाड़ते हैं, ये तो कथा में ही काम के हैं। भाई साहब लौट के सीधे महाराज के पास आए, वापिस गए कि नहीं गए ये तो नहीं पता, लेकिन आए। कथा में रहो तब तक सब गुण ही गा रहे हैं। प्राणनाथ कहने का अभिप्राय, सामने जो गुण गा रहे हैं वो पीछे भी गुण गाते हैं ऐसा नहीं, इसलिए अपने सामने जो कह रहे उसी को ही प्रणाम कर लो, पीछे क्या कहते इसको जानने की उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए। लेकिन श्री प्रियालाल का परस्पर संबंध ऐसा है, किशोरी जी का और लाला का संबंध ऐसा है कि जिसमें भैया पीछे दोनों की अनुपस्थिति में और अधिक रस है, और अधिक रस है। प्रभु, तो श्री ठाकुर जी के मन में यह उत्कंठा हुई कि श्री किशोरी जी मेरी अनुपस्थिति में मेरे विषय में क्या चर्चा करती है, सो मेरे को जानना है, सुनना है, और सुनना भी कोई सखी के मुख से नहीं, उन्हीं के श्री मुख से। हो सकता है सखी वहां से यहां तक कुछ कहने में आएगी, तब तक कुछ मिलावट नहीं कर दे अपनी ओर से, मुझे एकदम विशुद्ध चीज चाहिए, मिलावट वाली चीज नहीं चाहिए, ऐसा वह ठाकुर जी का भाव। तो श्री ठाकुर जी ने एक लीला करी, क्या लीला करी, श्री ठाकुर जी शुक बन गए। शुक जानते ना, तोता, मिठू, तोता बन गए। लेकिन अब श्री किशोरी जी के पास कैसे जाएं? किशोरी जी को कोई तोता चिड़िया तो प्यारे लगते थे, लेकिन उनको अपने साथ लेके घूमने का किशोरी जी का स्वभाव नहीं था। श्री ठाकुर जी ने एक लीला करी, क्या लीला करी, किशोरी जी निकल रही थी अपने निकुंज से, विहार कर रही थी सखियों के साथ में, श्री ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर तोता बनकर, शुक बनकर विराज गए, और जैसे ही श्री किशोरी जी वहां से निकली और बोलने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे ही ठाकुर जी कृष्ण 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 बोले, किशोरी जी का एकदम ध्यान गया, कौन बोल रहा है, मेरे प्राण प्यारे का नामस्मरण किसने किया, यह कौन बोल रहा है, कृष्ण 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 कौन बोल रहा है, और
ऊपर दृष्टि गई तो एक वृक्ष के ऊपर एक शुक बैठा और वो कृष्णा कृष्णा बोल रहा है। किशोरी जी ने तुरंत संकेत किया। ध्यान दीजिए, किसी को ऐसे बुलाना, अरे ऐसे इसमें आदेश झलकता है, इसमें और इसमें मनुहार झलकती है। ऐसे हमें किसी बड़े को भी बुलाना है, हम ऐसे बुलाएंगे। मान लीजिए कोई महाराज जी यहां बैठे, मैं तो श्री प्रिया जी ने उस शुक को यूं नहीं कर, नहीं और बस ये तो बैठे ही वहां इसी लोभ से थे। जैसे ही श्री ठाकुर जी ने ऐसा, प्रिया जी ने ऐसा किया, फर्र करते करते ठाकुर जी झट से आ गए और प्रिया जी ने आसन दिया है। ऐसा नहीं कि बुला करके, नहीं, अपने हाथ को ऐसे किया और यहां पर श्री ठाकुर जी ने आसन लगाया और श्री प्रिया जी ने उस शुक के ऊपर पूंछ से उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा, आहा कितना मीठा बोलते हो तुम, जरा और कहो। और श्री ठाकुर जी अपने ही नाम का कीर्तन करने लगे, कृष्णा 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 कृष्णा। किशोरी जी ने कहा, अरे बहुत बोल लिए, तुमको श्रम हुआ होगा, चलो मैं तुमको कुछ खिलाऊं। और उस शुक को अपने साथ ले गई। अब तो उस शुक के मुख से, उस शुक के मुख से, क्योंकि अपना नाम हम खुद जितनी सुंदरता से लेते हैं उतना कोई दूसरा नहीं लेता। किसी का नाम भले कितना ही विचित्र क्यों ना हो, वो खुद अपना नाम, विचित्र नाम भी इतना सुंदरता से लेता है, उतना कोई दूसरा नहीं ले सकता प्रभु। तो श्री ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से अपना नाम ले रहे हैं तो उसका तो, उसकी तो सुगंध कितनी जोरदार होगी, उसका तो रस कितना अद्भुत होगा। अब तो प्रिया जी को ऐसा रस बन गया उस शुक की वाणी का कि जब भी मन करे उसको कहे, हे शुक कृष्ण कहो ना, हे शुक कृष्ण कहो ना। और यहां तो प्रिया जी को राजी करने के लिए कहे जो कह दे, ये तो अपना ही नाम लेना है। और वह शुक तुरंत शुरू हो जाता, कृष्ण 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 कृष्ण। अब प्रिया जी को खूब आनंद होता और अपने हाथों से कोई फल, कभी क्या कभी क्या, ऐसे पवाती प्रिया जी। और अपने अपने कक्ष में ही रखती उस शुक को। और जब ललिता विशाखा आदि सखियां बैठती उनके सामने, जब प्रिया जी ठाकुर जी के विषय में बात करती, प्यारे श्याम सुंदर ऐसे हैं, वो ऐसे प्यारे हैं, ऐसे प्यारे, आहा, जैसे जो बात प्रिया जी के श्रीमुख से बहुत सुंदर लगती ठाकुर जी को, उस बात पर श्री ठाकुर जी अपने पंख फड़फड़ाते, शुक के रूप में फर करते, अभिव्यक्त करते, मुझे बहुत आनंद आया। लेकिन किशोरी जी को नहीं पता कि ये कौन यहाँ पंग फड़फड़ा रहे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रही हूँ, प्राणनाथ। अब एक रूप से श्री ठाकुर जी शुक बने हुए प्रिया जी के समीप विराज करके और वहाँ उस चर्चा का सुख ले रहे हैं। श्री किशोरी जी के श्रीमुख से क्या चर्चा होती उसका। और एक रूप से रास बिहारी बनकर, निकुंज बिहारी बनकर आते जाते भी हैं, आते जाते भी हैं, दोनों लीलाएं करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी ने देखा कि श्री किशोरी जी बहुत चिंतित हैं, चेहरे पर थोड़ी उदासी जैसी है। आहा, श्री ठाकुर जी ने जब किशोरी जी के श्री मुख पर उदासी देखी, किशोरी जी के श्रीमुख पर उदासी देखी तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। श्री ठाकुर जी ने पूछ लिया, हे प्यारी जू, आप क्यों उदास हैं, आपको क्या कष्ट है, मुझे बताइए। किशोरी जी ने कहा, प्यारे मैं क्या कहूं, इस जगत के ऊपर कभी कभी मेरी दृष्टि चली जाती है,
इन संसार के जीवों पर कभी कभी मेरी दृष्टि चली जाती, उससे क्या होता है? प्रिया जी कहती हैं, इन जगत के जीवों पर जब मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे एक बात की मन में पीड़ा होती है। क्या? बोले, इन लोगों को आपकी लीला का रस ज्ञात नहीं। इन लोगों को, इन जीवों को आपकी लीला का रस ज्ञात नहीं है, इसीलिए ये संसार के भोगमय पदार्थों में, संसार के भटकाने वाले पदार्थों में रस ढूंढ रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जिस प्रकार एक कुत्ता हड्डी में रस ढूंढता है, ऐसे हड्डी में कोई रस हो सकता है? सूखी हड्डी, वो कुत्ता मूर्खता का परिचय देता है, सूखी हड्डी में रस ढूंढने की चेष्टा करता है। मेरे भाई बहन, हम लोग भी तो कहीं कहीं पर ऐसे ही तो नहीं हो जाते? जगत की जो वस्तुएं जिनमें रस है ही नहीं, जिनमें रस है ही नहीं, उन्हीं को, उन्हीं में रस खोजने की चेष्टा करते। यह रस महोत्सव का यह भी एक उद्देश्य है महाराज, कि हम लोगों को समझ में आवे कि रस की भूख सच में अगर है और उसको मिटाना चाहते हो तो जगत की शरण में मत जाओ, प्रभु की शरण में आओ, ठाकुर जी की कथा की शरण में आओ, यहां पर आपको असली रस मिलेगा। मेरे भाई बहन, जगत के रस ने दुर्गति ही तो की है। दास की अभी इतना अधिकार नहीं मिला कि मैं आप लोगों को थोड़े और कटु शब्दों में कुछ कहूं, पर आप खुद देखिए, जगत के रसों से दुर्गति ही तो मिली मेरे भाई बहन। और यह भगवत रस, आहा, भगवत रस जीव की सदगति कर देता है मेरे भाई बहन। इसलिए ध्यान दीजिए, उन रसों का परिचय हो, इसलिए वो भगवत रस रस है। तो श्री किशोरी जू के मन में भीतर यह कष्ट कि जगत के लोग उस भगवत रस से वंचित हैं, उनको कौन बोध करावे कि देखो असली रस तो ये है। मेरे भाई बहन, बुरा नहीं मानिएगा, सिनेमा के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं वो अपनी जगह अपना काम करते, लेकिन अनेक युवक युवतियां उनके सौंदर्य पर ऐसी मुग्ध हुए रहते हैं कि पूछिए मत। लेकिन दास एक प्रार्थना करता है, आप ठाकुर जी, अब आप कहेंगे कि ठाकुर जी का जो फोटो मिलता है वो सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही उनका पक्का फोटो, उनका रियल फोटो, ये कैसे माने हम? तो दास एक प्रार्थना करता है, आप फोटो को छोड़ दीजिए, ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन सुन लीजिए और उसके बाद भी आपको उस सौंदर्य से भी बढ़ करके सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों का सौंदर्य लगता तो आप भले उसमें भटकिए, हमारी कोई मना ही नहीं, और प्रभु का सौंदर्य श्रवण करके ऐसा लगे कि इस सौंदर्य के तो रजकण की नख की बराबरी भी जगत का कोई वो नहीं कर सकता, तो फिर उस रस में मत जाइए, प्रभु के चरणों का ही आस्वादन करिए। हम आपको श्री ठाकुर जी का रियल फोटो तो नहीं बता सकते, लेकिन जिसने रियल में ठाकुर जी को देखा है, उसने जो शब्दों से चित्र खींचा है, वह बता सकते हैं, और वह है हमारे आचार्य चरण का प्रकट किया हुआ मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इस मधुराष्टकम को गाते गाते सुनते सुनते यदि ठाकुर जी प्यारे न लगने लग जाएं तो आहा, हमने फोटो नहीं खींचा लेकिन महाप्रभु जी ने तो उनको देखते देखते गाया है। जिस जिस चीज का वर्णन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं वह एक एक श्रीअंग उनके नेत्रों के सामने है, तब उसके ऊपर मधुरम शब्द वे कह रहे हैं, नयनम मधुरम, दो नेत्र देख रहे हैं वे। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें महाप्रभु जी के नेत्रों से मधुराष्टकम के रूप में। आज मधुराष्टकम के ऊपर बड़ा सुंदर नृत्य भी होने वाला है रात्रि के उत्सव में।
तो प्रभु बहुत रस जो है वो तो श्री ठाकुर जी के पास ही है। मेरे भाई बहन, इन संतों की बलिहारी है, इन महापुरुषों की बलिहारी है। ये नहीं होते तो हमको कौन इस रस का परिचय कराता। भटकते अपने भी, कभी कहीं खेल में रस ढूंढते, कभी किसमें, कभी किसमें, कभी किसमें। मेरे भाई बहन क्या कहें, ठाकुर जी के गिल्ली डंडा में जो रस है, ठाकुर जी की आंख मिचोली में जो रस है, वो जगत के किसी खेल में दास को लगता नहीं। श्रवण कीजिए, उस रस का परिचय कराने के लिए श्री ठाकुर जी ने, श्री प्रिया जी के मन में यह क्षोभ हुआ कि कैसे जगत के लोगों को प्रभु की लीला का रस प्राप्त हो, कैसे जगत के लोगों को प्रभु की लीला का रस प्राप्त हो, ऐसा मन में भाव उठा प्रिया जी के। और प्रिया जी चिंतित हो गई, ठाकुर जी के आगे अपनी बात कही, तो श्री ठाकुर जी कहते हैं, इस व्यथा का निवारण तो तभी हो सकता है जब कोई आपके उन सरस गुणों का गान करे। तो ठाकुर जी ने कहा, आप कहो तो मैं जाऊं। किशोरी जी कहती, नहीं नहीं, आप कहां जाएं, आपके जाने से तो हम सब सूने हो जाएंगे। फिर इस निकुंज का हम करेंगे क्या, फिर इस झूले का हम करेंगे क्या। मेरे श्याम गए मुख मोर, अकेली छोड़ के सुंदर आली झूला पड़ा है खान। मेरे श्याम गए मुख अकेली छोड़ के सुंदर आली झूला पड़ा है खान। सावन की ऋतु जब आती है, सावन की ऋतु जब आती है, मेरे श्याम की याद दिलाती है, श्याम की याद दिलाती है, मेरे श्याम सुंदर बिन कैसे झूलूं आली झूला पड़ा है खाली। हे मेरे श्याम गए मुख मोर, अकेली छोड़ के सुंदर आली झूला पड़ा है खाली। तो प्रिया जी कहती हैं कि आपके जाने से तो ये निकुंज, ये सब कुछ सूना हो जाए, आप न जावे, पर ऐसा कोई जावे जिसको आपके गुणों का पूरा ज्ञान हो, जो आपकी लीलाओं के रस को पी करके पुष्ट हुआ हो, वो जीव जावे। आहा, श्री ठाकुर जी ने कहा कि प्रिया जी को, प्रिया जी की इस व्यथा का निवारण मुझे करना है। और श्री ठाकुर जी ने क्या किया, जो शुकरूप में ठाकुर जी विराजमान थे, वे बोले, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और जब ठाकुर जी बोले मैं जाऊं, प्रिया जी का ध्यान का, क्या शुक, तुम जाओगे? हाँ मैं जाऊंगा। आहा, फिर तो कहना ही क्या। जब उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, फिर तो प्रिया जी प्रसन्न, श्याम सुंदर भी प्रसन्न, और श्री प्रिया जी ने तुरंत उस शुक को अपने पास बुलाया। श्री प्रिया जी ने तुरंत उस शुक को अपने पास बुलाया, अपने हाथों पर उसको आसन दिया, और अपने अधरों पर एक अंगुली पदरा करके, और उसी अंगुली को शुक की चोंच पर लगाया, मानो अपना अधरामृत दिया। अपने अधरों पर, श्री प्रिया जी के अधरों पर जो भगवत रस, जो ठाकुर जी की लीला का रस विराजता, मानो वो रस उन्होंने शुक को प्रदान कर दिया। मानो सुखदेव जी की दीक्षा हो गई, मानो सुखदेव जी की दीक्षा हो गई, और उस शुक के को आज्ञा दी प्रियालाल जी ने, और वह शुक निकल जाते हैं भगवान के गुणों का गान करने के लिए। आहा, फिर प्रियालाल जी को सुख मिलता उस निकुंज लीला का।